ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि मंडी जिला को वर्ष 2021 तक क्षय रोग मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप 2021 तक पूरे प्रदेश के साथ साथ मंडी जिला को भी क्षय रोग मुक्त बनाया जाएगा। उन्होंने जोनल अस्पताल मंडी में एक सम्मेलन कक्ष में आयोजित जिला क्षय रोग उन्मूलन समिति तथा जिला टीवी फोरम की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी दी। उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि मंडी जिला को वर्ष 2021 तक क्षय रोग मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वर्ष 2021 तक पूरे प्रदेश के साथ साथ मंडी जिले को भी क्षय रोग मुक्त बनाया जाएगा। वे जोनल अस्पताल मंडी के सम्मेलन कक्ष में जिला क्षय रोग उन्मूलन समिति तथा जिला टीवी फोरम की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मंडी जिला को पूर्णतः क्षय रोग मुक्त करने के लिए अलग अलग कमेटियां गठित की गई हैं। इस काम में विभिन्न विभागों का सहयोग भी लिया जा रहा है। जिला में स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से आशा वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा एनजीओ व पीआरआई के सदस्यों द्वारा टीबी मरीजों की पहचान की जा रही है और काउंसलिंग व मरीजों को नियमित रूप से दवाइयां देने के साथ साथ निगरानी रखी जा रही है। क्षय रोग के मरीजों के लिए 6 महीने की दवा सेवन का कोर्स है और यदि मरीज नियमित रूप से दवा लेता है तो 6 महीने में क्षय रोग से मुक्ति मिल जाती है। उपायुक्त ने कहा कि जिला मंडी में क्षय रोग की पहचान, मरीजों की काउंसलिंग, नियमित रूप से दवा देने व निगरानी के लिए गठित कमेटियों द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि क्षय रोग मुक्त हिमाचल अभियान में एक्टिव केस फाइंडिंग एक प्रमुख गतिविधि है, जिसके माध्यम से क्षय रोग के मरीजों की आसानी से पहचान व जांच की जा सकती है। बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि 2021 तक जिला को क्षय रोग मुक्त बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को हर पंचायत में ऐसे मरीजों की पहचान करने व टेस्ट पॉजिटिव पाए जाने पर काउंसलिंग पर नियमित दवाइयों का सेवन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि ये एक चुनौतीपूर्ण काम है जिसे आपसी सहयोग से पूरा किया जा सकता है। उन्होंने क्षय रोगियों से भी आह्वान किया कि वे सरकारी या सत्यापित स्वास्थ्य केंद्रों में ही जांच करवाएं ताकि बीमारी का सही पता लग सके और रोग के मुताबिक उपचार किया जा सके। उपायुक्त ने पंचायती राज संस्थाओं व स्वयंसेवी संस्थाओं से भी इस मुहिम से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ग्राम सभाओं में जाकर क्षय रोग के बारे में जागरूक करने के निर्देश भी दिए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जीवानंद चौहान ने क्षय रोग उन्मूलन के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में विस्तार से बताया। बैठक का संचालन जिला क्षय रोग कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अरिदम रॉय ने किया और क्षय रोग उन्मूल को लेकर प्रेजेंटेशन भी दी। क्षय रोग मुक्ति के लिए सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों ने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। आज जिला क्षय रोग निवारण उन्मूलन समिति और डिस्ट्रिक्ट टीवी फोरम की मीटिंग यहाँ जोनल हॉस्पिटल में डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में बुलाई गई थी, जो आज करवाएगी। और उसमें जो पार्टिसिपेट किया जिला परिषद के चेयरमैन, जिला के आयुर्वेदिक अफसर और हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट जनरल अस्पताल के प्राइवेट प्रैक्टिस जितने थे वो सारे लोग, केमिस्ट थे उसमें, जिला पंचायत अफसर थे उसमें, और टीवी चैंपियन जो हमारे हैं जिनको हमने ट्रीटमेंट दिया, उन सब लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और एक बहुत ही अच्छा डिस्कशन किया गया कि हिमाचल को 2021 तक टीबी मुक्त करने के लिए क्या क्या इसमें हमने योजना बनानी है, कैसे इसको टीबी मुक्त करना है, वो सारा इसमें डिस्कस किया गया और लोगों से सुझाव दिए गए। और जो हमारा प्रोग्राम चला हुआ है इसके बारे में, उसके बारे में भी पूरी जानकारी हमारे जो हमारा जिला के टीबी अफसर उन्होंने वहाँ सबको दी और जो लोगों से सुझाव आए उसके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे। और हम ये चाहते हैं आपके माध्यम से, हमने ये रिक्वेस्ट भी किया है कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इसमें हमारे साथ पार्टिसिपेट करें और लोगों को मोटिवेट करें कि जब भी वो लोग किसी तरह की भी बीमारी से, और खासकर जो ये इन्फेक्टिव डिजीज़ होती है जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, इससे ग्रसित है तो वो एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में ही जाए। हमारे पास पेरीफेरी में पीएचसी लेवल में थूक के जांच करने की सुविधा भी है और ब्लड टेस्ट भी है, जिससे हम टीबी को डायग्नोज कर सकते हैं और उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ये हमने आज लोगों को जानकारी दी और जो हमारे चेयरमैन हैं जिला परिषद के शर्मा ठाकुर जी, उनके माध्यम से हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि पूरे ज़िले में जितने भी पंचायती राज के इंस्टीट्यूशन हैं उन सबको मोटिवेट किया जाए कि वो सभी लोगों की इन्वॉल्वमेंट करें और लोगों को जागरूक करें कि वो अपना
टीबी के लिए टेस्ट जो है अनिवार्य कर दें सभी के लिए, ताकि हम लोग इस बीमारी के अगर कोई केस गांव में हमारे से छूट गए हैं तो उनको डायग्नोसिस कर सकें और उनका इलाज कर सकें। सरकार इस हमारे को मुफ्त दवाई दे रही है सभी तरह की बीमारी के लिए, चाहे वो टीबी पहली बार होता है या कोई रेजिस्टेंट टीबी है, उसके लिए भी सरकार मुफ्त दे रही है और दूसरों के लिए मुफ्त दे रही है। और ये प्रोग्राम हमारा बहुत अच्छे ढंग से हम इसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ हम ये चाह रहे हैं कि इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो और लोग खुद टेस्ट करने के लिए आगे आएँ, ताकि हम उस लोग उसका इलाज भी कर पाएँ और हिमाचल प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने में हम लोग आपका सहयोग करें सभी लोग। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्षा सरला ठाकुर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जीवानंद चौहान, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नरेश, जिला क्षय रोग कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अरिदम रॉय, खंड चिकित्सा अधिकारी पदर डॉक्टर अनुराधा, आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर जमीर खान, केमिस्ट संघ के प्रधान योगेश सहित विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी सदस्य उपस्थित रहे।